सर, ये नोटों को लेकर ये जो पहल है इसको कैसे देखते हैं? इंदौर पुलिस ने भी अडॉप्ट किया है जो तांबे के लोटे हैं, पहली चीज़ तो इसके पीछे का मकसद और दूसरा इसको इस्तेमाल करने के फ़ायदे। सबसे पहले तो जो एक आप लोग 3 R सुने होंगे, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, एक तो कोई भी चीज़ को आप लोग जो ज़्यादा उपयोग करते हैं उसको कम करें और उसी चीज़ को रिसाइकिल करें और उसी चीज़ को रीयूज करें। तो जैसा आप लोग प्लास्टिक जो हम लोग यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल, वो एक बार उपयोग होता है, उसके बाद फिर वो वेस्ट में चला जाता है, उससे पर्यावरण पर भी नुकसान होता है और उसका जो लोड है नगर निगम पे होता है और रिसाइकलिंग में भी कॉस्ट आता है। तो जो तांबे का जो लोटा है, तो एक तो ये आप रीयूज़ कर रहे हैं, तो रीयूज़ कर रहे हैं तो प्लास्टिक रिड्यूस हो रहा है और रिसाइकलिंग कॉस्ट घट रहा है, तो ये इसके फ़ायदे हैं। दूसरा, ट्रेडिशनली भी हम लोग का जो आयुर्वेदिक नॉलेज है और जो इंडिया के मेडिसिनल नॉलेज है, उसके हिसाब से भी तांबे के बर्तन में पानी पीने से कई तरह के उसमें फ़ायदे हैं और कई तरह की बीमारियों से आपको उसमें निजात मिलता है और आपका ब्लड प्रेशर से लेके हार्ट के कई फ़ायदे हैं। तो इस तरह का उपयोग, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये तांबे के लोटे में पानी का उपयोग शुरू किया। सर, पलासिया की एक घटना आई है सामने, वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ASI जो है फरियादियों और उनके साथ में बदतमीजी और गाली गलौज कर रहे हैं, क्या इसमें कार्रवाई की गई है? अभी ये जो वीडियो आया है, प्रथम दृष्टिया उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें कार्रवाई करते हुए इनको सस्पेंड करके लाइन अटैच कर दिया गया है और इसमें प्राथमिक जांच की जा रही है। जी सर, नाम क्या है आरोपी का और घटना क्या थी? राकेश कुमार, ये सॉरी ASI का नाम क्या है और घटना क्या थी? सर, आर के मिश्रा ASI का नाम है, पलासिया में पदस्थ है। सर, ये पुलिस का मूवमेंट कुछ जगह पे अभी ज़्यादा दिखा है और पूरे देश में एक अलर्ट की स्थिति भी है और हाल ही में कोई एक टेररिस्ट भी यहाँ से डिटेन किया था, तो संवेदनशील अति संवेदनशील इलाकों में किस तरह की मूवमेंट है, क्या कोई इनपुट्स पुलिस करेगी, किसी के तौर से नज़र बनाए हुए है या किस तरह की सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है? एक तो ये लोकल इंटेलिजेंस, 15 अगस्त और त्योहारों का माहौल है, उसके हिसाब से भी हम लोग पेट्रोलिंग और BDS चेकिंग, एंटी सैबोटाज चेकिंग और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और उसके अलावा भी जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी से हम लोग को जो रेगुलर इनपुट मिलते रहते हैं उसके हिसाब से भी हम लोग चेकिंग उस तरह से उसको अडेप्ट करते हैं और आगे भी कोई इस तरह का जब भी इनपुट आते हैं, एक रेगुलर इनपुट देने की एक प्रक्रिया बनी हुई है, विभिन्न एजेंसीज एक दूसरे से इनपुट देते हैं और लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग इसमें अपनी चेकिंग और जो भी अपनी कार्रवाई है उसको अडेप्ट करते हैं। सर, IB के कोई इनपुट की जानकारी है गुजरात के रास्ते मध्य प्रदेश में या इंदौर में कोई आतंकी घुस सकते हैं? अभी ऐसा स्पेसिफिक इनपुट बताया नहीं जा सकता, जो भी मूवमेंट के रेगुलर इनपुट आते रहते हैं उसके बेसिस पे हम लोग अपनी कार्रवाई करते हैं। सर, एक मुख्तियार के मामले में 25 शिकायतें तो मिल चुकी हैं, जनसुनवाई है, एक अहम दिन है, तो क्या और भी कोई शिकायत, मुख्तियार जो है एक काफ़ी कुख्यात हिस्ट्री शीटर है, उसको लेकर भी कोई शिकायत आई है और उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की ओर से? आज एक महिला द्वारा शिकायत की गई है जिसमें उनको द्वारा बताया गया है कि ज़बरदस्ती उनकी एक बड़नगर की प्रॉपर्टी थी जो उनके से नामांतरण करवा लिया गया है और उस चीज़ को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं और उसमें त्वरित कार्रवाई करने का उनको बताया गया है और जांच के लिए उनको CSP स्तर पर इसकी जांच करवाई जाएगी और जो भी इसमें आपराधिक प्रकरण अगर इसमें सामने आता है तो पंजीबद्ध किया जाएगा। थैंक यू।